के बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट जो हमारा इंक्रीज होने वाला है वो हमारा है कि बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ता। अब ये जो होता है, ये जितने भी हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए अलग से अलाउंस जो होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिया जाता है। ठीक, अब ये 50% इंक्रीज होने के बाद क्या क्या चेंजेस आए उसके बारे में हम जान लेते हैं। जितने भी लोग जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सबसे बड़ी जो चुनौती उनके सामने आती है वो ये आती है कि हम किस तरीके से इन सारे अलाउंस को हम क्लेम करें। देखो, पहली चीज़ यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ कि भैया जितने भी फिजिकली हैंडीकैप्ड जो चैलेंज जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या मंथली अलाउंस आपको मिलता है। देखो, पहले अभी करंट में अगर मैं बात करूं और अभी जो 50% डीए जो कहीं ना कहीं आपका इंक्रीज होगा उसके बाद की अगर मैं बात करूं, करंट में 4500 रुपये जो है वो आपका पर मंथ जो आपका है यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इंक्रीज होने के बाद 5625 रुपये जो है वो आपका पर मंथ जो है वो आपका हो जाएगा। अब लेकिन ये जो पूरा अमाउंट है, अगर हम एनुअल बेसिस पे अगर हम देखें तो एनुअल बेसिस पे जो पूरा अमाउंट है ये आपका हो जाएगा 54,000 रुपये और ये हो जाएगा 67,500 रुपये जो है वो आपका एनुअल जो अमाउंट है वो आपका 50% हाइक होने के बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को आपका मिलेगा। ध्यान में एक चीज़ आप सभी को रखना है कि जब भी आप इसके लिए क्या होता है ना कि मान लो कैसे क्या पता रहता है कि नहीं भाई कि किन किन को अलाउंस, देखो जिनके भी आपके जो बच्चे होते हैं चाइल्ड, ठीक है, तो गवर्नमेंट डॉक्टर क्या करता है कि सर्टिफाई करता है कि ये फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है और वो एक बार उसने अगर सर्टिफाई किया है तो वो सर्टिफिकेट जो होता है वो आप जब भी क्लेम करोगे वो आपको लगाना पड़ता है, आपको अपने DDO के पास वो चीज़ DDO के पास भेजना पड़ेगा जिसके बाद DDO आगे फॉरवर्ड करेगा और इस अलाउंस को फिर आप उस बेसिस पर आप कंप्लीट कर लो। अब ये जो होता है ये मंथली नहीं मिलता है, ये एनुअली ही अमाउंट जो पूरा होता है वो आपको पूरा क्लेम करना होता है। तो ये जो तीसरा आपका जो अलाउंस है वो आपका डीए हाइक होने के बाद आपका कहीं ना कहीं आपका इंक्रीज हुआ है और ऐसे बाकी जो अलाउंस है वो भी इंक्रीज हुए हैं, उनके बारे में आपको मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के नाम से, वहां से जाके आप सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी अपडेट्स आप चेकआउट कर सकते हो।